छात्र आज का वीडियो है ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर से और एक्सरसाइज है 13। और जैसे कि आपको पता है ये चैप्टर 5 से है, वर्ब से है। तो यहाँ पे डायरेक्शन में आप देख रहे हैं पिक आउट द वर्ब्स इन दीज सेंटेंसेज एंड से वेदर दे आर मेन और हेल्पिंग वर्ब्स। देखिए डायरेक्शन या निर्देश, आपको निर्देश दिया जा रहा है कि आपको करना क्या है। पिक आउट द वर्ब्स यानी कि वर्ब को चुने, क्रिया को चुने इन दीज सेंटेंसेज, इन वाक्यों में से, ठीक है। एंड से और बताए वेदर दे आर मेन और हेल्पिंग वर्ब, और बताए कि वे मेन वर्ब है यानी मुख्य क्रिया है या फिर सहायक क्रिया है, ये बताना है, इसमें से चुनना है। तो पहले आप वर्ब के बारे में जानें। तो वर्ब वे शब्द होते हैं जिससे पता चलता है यानी कि कार्य व्यापार या संबंध या अधिकार या अवस्था का बोध हो, वही होता है वर्ब। तो वाक्यों में प्रयोग के अनुसार वर्ब को दो भागों में बांटा गया है, एक पहला है मेन वर्ब और दूसरा है हेल्पिंग वर्ब। तो मेन वर्ब हमेशा या तो अकेले आता है या साथ में आता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब वे होते हैं जो सदा मेन वर्ब के साथ ही आते हैं यानी उसकी सहायता करते हैं, यानी सहायक क्रिया है ये। देखिए यहाँ पे ही रीड्स, वह पढ़ता है, यानी ये पढ़ता है, ये जो है वर्ब है, लेकिन कौन सा वर्ब है, तो ये अकेला है तो समझिए ये मेन वर्ब है। और एक बात समझ ले आप, मान लीजिए एक ही सेंटेंस में जो है दो चार वर्ब का प्रयोग हुआ, कई वर्ब का प्रयोग हुआ, तो लास्ट में जो आएगा लास्ट में वो मेन वर्ब होगा, बाकी सभी हेल्पिंग वर्ब होगा। यानी सेंटेंस के लास्ट में जो भी आया वो मेन वर्ब होगा, बाकी सभी हेल्पिंग वर्ब होगा। क्या है यहाँ पे, ही रीड्स, वह पढ़ता है। देखिए रीड्स जो है वर्ब है और ये है मेन वर्ब। यहाँ पर लिखिए रीड्स, क्या लिखिए रीड्स, और ये क्या है मेन वर्ब, मेन वर्ब। अब देखिए ही इज रीडिंग, ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है। देखिए इज रीडिंग, इज भी वर्ब है और रीडिंग भी वर्ब है, तो यहाँ पे रीडिंग जो है मेन वर्ब है और इसकी जो है ये सहायता कर रही है यानी सहायक क्रिया है इज। तो यहाँ पे आप लिखिए पहले इज, और इज क्या है, ये है हेल्पिंग वर्ब, क्या है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। और यहाँ पे रीडिंग, देखिए रीडिंग लिखिए रीडिंग, और ये क्या है मेन वर्ब, मेन वर्ब। ही इज अ स्टूडेंट, वह एक विद्यार्थी है। देखिए ही इज अ स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए इज, तो इज के बाद कोई वर्ब नहीं हुआ है यानी इज है सिर्फ, तो ये मेन वर्ब कहलाएगा। और यहाँ पे देखिए इज के बाद जो है वर्ब है रीडिंग, तो इसकी ये सहायक क्रिया हो जाएगा, लेकिन इज अकेला है तो इज ही यहाँ पे मेन वर्ब है। यहाँ पर लिखिए इज, और इज क्या है मेन वर्ब, मेन वर्ब। आर यू अ डॉक्टर, आर यू अ डॉक्टर, देखिए आर यू अ डॉक्टर, तो आर यहाँ पे वर्ब है, आर क्या है वर्ब है, यू अ डॉक्टर इसके बाद कोई नहीं, तो आर सिर्फ अकेला है तो ये मेन वर्ब है। आर लिखिए आर, और आर क्या है मेन वर्ब, मेन वर्ब। आर यू कमिंग टुडे, आर यू कमिंग टुडे, देखिए आर यहां भी है लेकिन क्या है कमिंग टुडे, कमिंग भी एक वर्ब है तो कमिंग से पहले आ रहा है, तो आर हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब और कमिंग हो जाएगा मेन वर्ब। तो आर लिखिए यहां पे, आर लिखिए और आर क्या है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। और ये कमिंग क्या है, कमिंग है मेन वर्ब, मेन वर्ब। अब देखिए ही कैन डू, ही कैन डू, देखिए यहाँ पे दो वर्ब है, कैन भी और डू भी है, वह कर सकता है। देखिए ही कैन डू, तो यहाँ पे डू है मेन वर्ब और कैन है हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे लिखिए कैन, और कैन क्या है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। और डू क्या है मेन वर्ब, मेन वर्ब। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 6 तक बनाने के बाद जो है 7 बनाने से पहले हम वीडियो को पोस्ट कर दिए थे, लेकिन हमारा मिस्टेक देखिए, हमने सारा वीडियो बना दिया लेकिन वीडियो को ऑन नहीं किए इसलिए रिकॉर्ड नहीं हुआ। और इस तरह से हम आपको जो है आगे बना हुआ है बना दिए हैं, तो हम इसे समझा देते हैं। देखिए 7 नंबर, यू शुड हेल्प मी, यू शुड हेल्प मी, यहाँ पे शुड और हेल्प दोनों जो है वर्ब है, तो यहाँ पे हेल्प हो जाएगा मेन वर्ब और शुड हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए व्हाट कुड बी डन, व्हाट कुड बी डन यानी कि कुड बी डन, ये तीनों वर्ब है तो डन सबसे लास्ट में है, तो ये मेन वर्ब होगा, क्या होगा ये मेन वर्ब, और कुड और बी दोनों हेल्पिंग वर्ब होगा। आगे देखिए मे आई कमिंग, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, देखिए मे आई कमिंग, यहाँ पे मे और कम दोनों ये वर्ब है, लेकिन मे पहले है इसलिए मे हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब और कम हो जाएगा मेन वर्ब। ही डज नॉट नो, वह नहीं जानता है, देखिए वह नहीं जानता है यानी ही डज नॉट नो, तो यहाँ पे डज और नो दोनों वर्ब है, तो यहाँ पे डज क्या हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब और नो हो जाएगा मेन वर्ब, चूंकि लास्ट में है। सी हैड बीन स्लीपिंग, सी हैड बीन स्लीपिंग, यहाँ पे हैड बीन स्लीपिंग तीनों वर्ब है, तो हैड और बीन दोनों हो जाएगा ये हेल्पिंग वर्ब
और स्लीपिंग हो जाएगा मेन वर्ब। आगे देखिए, सी हैड बीन अ डांसर, सी हैड बीन अ डांसर, यहाँ पे हैड और बीन दोनों जो है वर्ब है और यहाँ पे हैड पहले है तो ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा और बीन हो जाएगा मेन वर्ब। आगे देखिए, सी हैड नो मनी, सी हैड नो मनी, यानी कि हैड यहाँ पे जो है वर्ब है, केवल हैड है और जब अकेला ही हो तो मेन वर्ब होता है, ठीक है, तो हैड यहाँ पे मेन वर्ब है। कुछ और है जिसे हम बनाते हैं, दे मस्ट बी वर्किंग देयर, दे मस्ट बी वर्किंग देयर, यहाँ पे देखिए मस्ट बी और वर्किंग तीनों जो है वर्ब है तो यहाँ पे वर्किंग लास्ट में है तो ये हो जाएगा मेन वर्ब और मस्ट और बी हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे लिखिए मस्ट, मस्ट लिखिए MUST, मस्ट और बी ये दोनों लिखिए और इसको लिखिए हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब और दूसरा लिखिए वर्किंग, वर्किंग और ये हो जाएगा मेन वर्ब, मेन वर्ब। अब देखिए, दे मस्ट बी थीव्स, दे मस्ट बी थीव्स, यहाँ पे मस्ट और बी दोनों वर्ब है और ये जो है नाउन है तो यहाँ पे देखिए मस्ट और बी ये बाद में है यानी कि लास्ट में है तो बी हो जाएगा मेन वर्ब और मस्ट हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे लिखिए मस्ट, मस्ट और ये हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब भी है, ठीक है। अब यहाँ पे बी लिखिए और बी हो जाएगा मेन वर्ब, मेन वर्ब। अब देखिए, आई शैल हैव बीन प्लेइंग, आई शैल हैव बीन प्लेइंग, देखिए शैल हैव बीन प्लेइंग ये सभी वर्ब है तो यहाँ पे प्लेइंग हो जाएगा मेन वर्ब और शैल हैव बीन ये तीनों हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे लिखिए शैल, इसके बाद हैव लिखिए, कॉमा डाल दीजिए, ठीक है, हैव और बीन लिखिए, बीन ये तीनों क्या है, ये तीनों है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और ये प्लेइंग क्या हो जाएगा, प्लेइंग ये हो जाएगा मेन वर्ब, मेन वर्ब, मेन वर्ब। देखिए, आई शैल हैव बीन अ टीचर, आई शैल हैव बीन अ टीचर, यहाँ पे देखिए शैल हैव बीन ये तीनों जो है वर्ब है तो यहाँ पे बीन हो जाएगा मेन वर्ब और शैल और हैव हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे लिखिए शैल और हैव लिख दीजिए, हैव, हैव और ये दोनों क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और ये बीन क्या हो जाएगा, मेन वर्ब, मेन वर्ब। अब देखिए, आई शैल हैव नो वर्क, आई शैल हैव नो वर्क, यहाँ पे वर्क जो है वर्ब नहीं है, काम है तो यहाँ पे शैल हैव जो है दोनों वर्ब है तो हैव क्या हो जाएगा, हैव जो है ये मेन वर्ब हो जाएगा और शैल हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे लिखिए शैल, शैल तो ये हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होगा हैव, हैव तो हैव हो जाएगा मेन वर्ब, मेन वर्ब, वर्ब और ये वर्ब जो है ये नाउन है। आगे देखिए, वी शैल बी टीचर्स, वी शैल बी टीचर्स, यहाँ पे देखिए शैल और बी ये दोनों वर्ब है तो बी हो जाएगा मेन वर्ब और शैल हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर लिखिए शैल तो शैल हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और ये बी हो जाएगा मेन वर्ब, मेन वर्ब। आगे देखिए, दे डू नॉट डू एनी वर्क, देखिए दे डू नॉट डू एनी वर्क, यहाँ पे डू और प्लस में डू, देखिए ये डू और डू दोनों जो है ये वर्ब है, एनी वर्क ये वर्ब जो है नाउन है, ठीक है, तो यहाँ पे ये डू हो जाएगा ये हेल्पिंग वर्ब और ये हो जाएगा मेन वर्ब। यहाँ पर ये पहला वाला डू लिखिए, ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब और ये डू हो जाएगा मेन वर्ब, मेन वर्ब इस तरह से।